No food. Bole! No farmer. No food. 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 वाशिंगटन डीसी तो दविंदर सिंह वालों सारे ही बाज टीवी नूं देख रहे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं वाशिंगटन डीसी दे विच पहुंचे हां क्योंकि अज इंडिया दे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उचेचे तौर ते उन्हां दी सवेरे मीटिंग सीगी प्रेजिडेंट जो बाइडन दे नाल ते उस तों बाद उन्हां दी सी क्वाड मीटिंग आस्ट्रेलियन दे प्राइम मिनिस्टर दे नाल जिन्हां ने उन्हां ने प्रधानगी कीती इस मीटिंग दी। इस मीटिंग दे विच जिथे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वालों इंडिया ते अमेरिका दे विच आपसी संबंधां दी गल सी पर ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sorry. Good afternoon. Oh, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नो फार्मर नो फूड। नो फार्मर नो फूड। नो फार्मर नो फूड। नो फूड। जिंदाबाद। मान को जी कितना टाइम लगना हो रहा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 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 नो फार्मर नो फूड। 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी कुत्ता हाय हाय। मोदी कुत्ता हाय हाय। मोदी कुत्ता हाय हाय। साथियों, कल यूएसए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है, वहां पे इनका भाषण है। तो जो हमारे हिंदुस्तान के भाई यूएसए में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के और किसी भी प्रदेश के हैं, क्योंकि हमारे देश को मोदी इस वक्त तबाह कर रहा है, बेच रहा है, आपकी मातृभूमि को नुकसान पहुंचा रहा है। और यहाँ किसान 10 महीने से
सड़कों पे बैठे हुए 700 किसान अभी तक इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, हम उम्मीद करते हैं कि यूएसए में भी मोदी का आप विरोध करें, इनको काले झंडे दिखाएं, इनके आगे विरोध प्रदर्शन करें, ताकि एक बात पूरी दुनिया के अंदर जाए कि जो देश का प्रधानमंत्री है इसका विरोध पूरे दुनिया में होना शुरू हो गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा पूरे जो हमारे भारतवासी यूएसए में रह रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पे रह रहे हैं, वो सारे इकट्ठे होके कल काले झंडे दिखा के या वहां जो भी अच्छा तरीका आपको लगे उस तरीके से मोदी का विरोध करें और इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करें, ताकि आपकी बात पूरी दुनिया में जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।